दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और आज चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर है 11 चैप्टर इसका। तो 30 क्वेश्चन पढ़ो बेटा शिवानी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए लिमिटेड इज 3 लाख। प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स रिस्पेक्टिवली आर 35000, 45000 एंड 46000। पे रिटर्न इज 12% पर एनम। कैलकुलेट गुडविल goodwill by NET method on the basis of 4 years purchase of super profit. The present value of 0.32923 NET for 4 years at 12% per annum is okay. ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमेशा हमें एन्युटी वैल्यू गिवन रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, एन्युटी वैल्यू अगर जीरोस यानी एक रुपये से कम की है तो फिर दो मेथड होते हैं इसमें। अगर एक रुपये से कम है तो डिवाइड होगा फॉर्मूले के लिए, अगर एक रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई वाला यूज़ होगा। इसमें कम है divide. तो डिवाइड वाला सीन लगेगा इसमें। अगर ज़्यादा हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई वाला यूज़ होगा फॉर्मूला। एन्युटी वैल्यू होता है जैसे वार्षिक, मतलब हर साल कितना रुपए जमा करें कि एक रुपए इकट्ठा हो जाए। हर साल हम कितने रुपए जमा करें और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे कि एक रुपए इकट्ठा हो जाए। अगर हम 32 पैसे जोड़ते रहेंगे हर साल और उस पर 4% इंटरेस्ट, सॉरी 12% इंटरेस्ट मिलता रहे, तो 4 साल बाद वो 1 रुपए इकट्ठा हो जाएगा लगभग। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे 1 रुपए है उसकी 4 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 32 पैसे। इस तरह से वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है उस 1 रुपए की। तो इसके लिए फॉर्मूले या तो दोबारा लिखवाया जाए या फिर ये पकड़ रखते हैं मार्कर किधर है, एक इधर से पकड़ ले, अंदर ले आ। तो एन्युटी और सुपर प्रॉफिट मेथड में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो फॉर्मूला लिखवा देता हूँ गुडविल का इस केस के लिए। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, अगर मल्टीप्लाई वाला कब यूज होगा, जब मोर देन 1 रुपीज दे रखी हो, मोर देन 4-5 साल का, मतलब इसी ही तरह से दिया होगा कि 1 रुपए के हिसाब से कितनी है एन्युटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इसकी दे रखी होगी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू को देखते हैं। हाँ, तो मोर देन 1 रुपी एन्युटी वैल्यू। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, यानी एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, अपॉन लेस देन ₹1 एन्युटी वैल्यू। थोड़ा सा मोटा मार के चल रहा है। ठीक है, इस तरीके दो फॉर्मूले यूज होंगे, दो में से कोई एक, वो डिपेंड करता कंडीशन पे कि कंडीशन क्या सूटेबल है इसमें। तो अब क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारे पास क्या गिवन है इस समय, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कितना है 3 लाख। फिर हमारा आता है रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। अनिका पेन ले। ठीक है, तो अब यहां निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, वही तरीका जो पुराना वाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंट अपॉन 100। तो 3 लाख पर निकालेंगे कितना आएगा 36,000। फिर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, मतलब काफी हद तक वही पुराना तरीका जो हमने सीखा है। एवरेज प्रॉफिट के लिए कितने साल का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, 35,000, 45,000 और प्लस
46,000 डिवाइड बाय 3, तो टोटल करना कितना आ रहा है? 1,26,000 आ रहा है। 1,26,000 डिवाइड बाय 3 करो, 42 कुछ आएगा क्या? 42 आ गया। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट, वही फॉर्मूला ए पी माइनस एन पी, मतलब यही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 42,000 माइनस 36,000, तो कितना आ गया? अब ये 6,000 आ गया, 6,000 आ गया। अब ये सुपर प्रॉफिट है, हमें देखना है प्रेजेंट वैल्यू जो हमें गिवन है एनुटी मेथड के हिसाब से, तो वो कितनी है? वो है 0.32923। ये गुडविल पहले चेक करेंगे। हाँ, यहाँ तक तो काम हमें करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो अब प्रेजेंट वैल्यू पे चेक करो, अगर वो 1 रुपये से कम है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? डिवाइड वाला, अगर 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई वाला। तो 1 रुपये से कम है क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है? 0 से हो रही है। अगर 1 से स्टार्ट होता तो मतलब, अरे बेटा 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 रुक जा, ये तार खिंच जाएगा ये फ्रेम में नहीं है, कोई बात नहीं, ये इनको बता रखा मैंने वीडियो में कि थोड़ा डिस्टर्बेंस, ओ बच्चे माना कर तार खींच के खराब कर दी। तो अभी सुपर प्रॉफिट तक आ चुके हम लोग, है ना। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको कैलकुलेटर से ही हम ज़्यादा कर पाएंगे, वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है लेकिन कई बार बच्चे ले जाते हैं तो अलाउ हो जाता है कई बार, मतलब स्टार्टिंग में तो काम कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता कि अलाउ नहीं है। ये फॉर्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी वैल्यू, एन्युटी वैल्यू 6,000 था, 0.32923। हाँ पूरा लिखना है, डिवाइड करो 18,224। आंसर चेक करो कितना है, हाँ तो 0.34 अगर है भी तो वो 50 से कम है तो इग्नोर किया जाता है उसे। ठीक है, नोट कर लो अनिका बेटी, नहीं ध्यान से। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो बेयर करना, है ना, ऑडियो सही आई होगी बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप नोट कर लो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। जोर से तो बच्चों अपने लिखते रहना, है ना। वीडियो में भी मैंने अभी इसलिए चला रखा है कि आप आराम से नोट कर पाए, और थोड़ा सा मैं इसे जूम भी कर दूं लेकिन फिर कट हो जाएगा क्वेश्चन। चलो बोलिए, ठीक है, नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत, खुश रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। 13 क्वेश्चन था, 14 कराएंगे अब।